नमस्कार, मैं हूं प्रवीण। इंडिया टाइम 24 न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जालंधर के मशहूर कुल्लड पिज्जा कपल का एक एमएमएस वीडियो वायरल हो रहा है। इस पर लोग अपनी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं। आपने सोशल मीडिया पर अक्सर इस कपल को देखा होगा। लोग सोशल मीडिया से उनके पुराने वीडियो उठाकर उनके मीम्स बनाकर पोस्ट कर रहे हैं। इन सबसे आहत होकर कुल्लड पिज्जा के सहज अरोड़ा अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लाइव आए। उन्होंने एक यूट्यूबर को इस पूरे कांड का मास्टरमाइंड बताया। इस यूट्यूबर ने इन आरोपों का जवाब भी दिया है। सहज ने यूट्यूबर करण दत्ता का नाम लिया है। उन्होंने कहा कि करण ही इस पूरे कांड के मास्टरमाइंड है। सहज अरोड़ा इंस्टाग्राम पर लाइव आए। भावुक होकर उन्होंने लोगों से वीडियो को फॉरवर्ड ना करने की अपील की। उन्होंने रोते हुए कहा कि जो महिला वीडियो को वायरल करने के आरोप में पकड़ी गई है, वो एक ब्लॉगर के साथ मिलकर उन्हें ब्लैकमेल कर रही थी। सहज ने अपने मोबाइल पर उस महिला का मैसेज भी दिखाया। इस मैसेज में कथित रूप से आरोपी महिला सहज से पैसों की डिमांड कर रही थी। सहज ने महिला को पैसे देने की बजाय कानून का सहारा लिया और थाने में शिकायत कर दी। उनके मुताबिक इसके बाद ही महिला ने आपत्तिजनक वीडियो वायरल कर दी। मेरे बच्चे की जो हालत है, चार दिन भी नहीं हुए जब नहीं, मेरी वाइफ की जो हालत है, अंदर फिक्स नहीं जा रहा, बड़ी मुश्किल से उन्हें संभाल पा रहा, जो भी हालत है, हाथ जोड़ के बेनती है, तुम परिवार वाले हो, तुम्हारे घर भी मावा भी है, भैन भी है, तुम्हारे घर भी धीया है, ये अज जो मेरे नाल होया काम किसी नाल भी हो सकता है। एक बार अपने आप में साडी जगह ते रख के देखियो कि असि किदा की गंदी सिचुएशन जो निकल रहे हैं, जिद ना अपने घर तो दरवाजा खोल के बाहर जा सकते हैं, ना अस कि कुछ कर पा रहे हैं, तो किसे जोगे नहीं रहे, किसे पसे जोगे नहीं रहे। मेरी हाथ जोड़ के बेनती है, इंसान आराम ना साढ़े खिलाफ गंद बकी जा रहा है, बकी जा रहा है, बकी जा रहा है, लाइव आके आ रहा है, कहते कुछ बोल रहा है। उधर करण दत्ता ने अपने YouTube चैनल पर एक वीडियो पोस्ट किया। इसमें उन्होंने सहज के आरोपों का खंडन किया। करण ने कहा कि सहज कह रहे हैं कि वीडियो फेक है और इसके बावजूद लड़की को अरेस्ट कर लिया गया है। कोई भी इंसान इतना पैसा लगाकर आपका फेक वीडियो नहीं बना पाएगा। करण ये भी कह रहे हैं, सहज अरोड़ा का कोई भी वीडियो नहीं चल रहा था, उनका डाउनफॉल था, तो उन्होंने ये सब सुर्खियों में रहने के लिए और व्यूज के लिए किया है। करण ने ये आरोप भी लगाया कि इस कंट्रोवर्सी से पहले कुल्लड पिज्जा को कोई प्रमोशन नहीं मिल रहा था, इससे सहज का काम बढ़ गया है। करण ने सहज से कोई भी पुख्ता सबूत पेश करने की मांग की है। उन्होंने ये भी कहा कि अगर सहज ऐसा नहीं करते तो वो हर दिन उनके ऊपर एक वीडियो बनाएंगे। करण का कहना है कि उनका करण दत्ता वाइंस चैनल काफ़ी फेमस है और इसलिए ही उन पर आरोप लगाया जा रहा है। सहज सिर्फ अपने व्यूज बढ़ाने के लिए ये सब कर रहे हैं। करण ने साफ शब्दों में कहा कि अगली बार उन पर कोई वीडियो बनाने से पहले पुख्ता सबूत लेकर आएं। उन्होंने वीडियो में सहज से कहा कि उन्हें साफ कहना चाहिए कि उनसे गलती हुई है और वो वीडियो को डिलीट करना भूल गए। ऐसा कुछ भी कह सकते हैं, लेकिन वह यह नहीं कह रहे हैं। ऊपर से लोगों पर इल्ज़ाम लगा रहे हैं और कह रहे हैं कि हम सही हैं, लोग गलत हैं। अब लेंगे छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद आपको दक्षिण दिल्ली के सांसद रमेश बिधूड़ी पर एक बड़ी खबर सुनाएंगे। भगत चंद्रा हॉस्पिटल विश्व की सभी आधुनिक और बुनियादी सुविधाओं से परिपूर्ण एक वर्ल्ड क्लास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल। महावीर इनक्लेव पालम डाबडी रोड पर स्थित साउथ वेस्ट दिल्ली का एकमात्र मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, जहां 24 घंटे आपकी सेवा में उपलब्ध हैं वेल क्वालिफाइड डॉक्टर्स और हेल्पिंग स्टाफ। डॉक्टर सीएम भगत द्वारा स्थापित भगत चंद्रा हॉस्पिटल, आपकी सेहत का ख्याल रखना ही इसकी प्राथमिकता है, वो भी अफोर्डेबल रेट्स में। और ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हाल ही में खत्म हुए संसद के विशेष सत्र के दौरान भारतीय जनता पार्टी सांसद रमेश बिधूड़ी चंद्रयान की सफलता पर लोकसभा में बोल रहे थे। इसी दौरान वह लोकतंत्र के मंदिर में बीएसवी सांसद दानिश अली पर आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल करने लगे। इसके बाद बीजेपी सांसद की टिप्पणी सियासी बवंडर में बदल गई। बीजेपी ने रमेश बिधूड़ी को कारण बताओ नोटिस जारी किया है और 15 दिनों में इसका जवाब मांगा है।
वहीं बसपा सांसद दानिश अली ने कहा है कि यदि रमेश बिधूड़ी पर कार्रवाई नहीं की गई तो वो सांसद ही छोड़ देंगे। बिड़ला ने रमेश बिधूड़ी को चेतावनी मात्र दी है। इस बीच कांग्रेस सांसद राहुल गांधी दानिश अली से मिलने उनके घर पहुंच गए और एक्स पर लिखा, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान। मामले पर बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष मायावती ने कहा, दिल्ली से बीजेपी सांसद द्वारा बीएसपी सांसद दानिश अली के खिलाफ सदन में आपत्तिजनक टिप्पणी को हालांकि स्पीकर ने रिकॉर्ड से हटा दिया है, उन्हें चेतावनी भी दी गई है। वह वरिष्ठ मंत्री ने सदन में माफी मांगी, किंतु पार्टी द्वारा उनके विरुद्ध अभी तक समुचित कार्रवाई नहीं करना दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है। सोशल मीडिया एक्स पर रमेश बिधूड़ी को लेकर काफ़ी ट्रेंड्स चल रहे हैं। कहीं लोग रमेश बिधूड़ी की गिरफ्तारी की मांग कर रहे हैं तो कहीं लोग उनका बचाव करते हुए नजर आ रहे हैं। बहरहाल अब उन पर क्या कुछ एक्शन होगा ये जानने के लिए आपको थोड़ा इंतज़ार करना होगा। खबर में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए इंडिया टाइम 24 न्यूज़। खबरों से खबरदार रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन।